Hey Google, turn on studio. Hello guys, Kushal here and once again welcome back to the channel guys. Welcome back to another interesting video. और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे डिवाइस के बारे में जिसके जरिए आप अपना होम को या फिर आप अपना रूम को जो है स्मार्ट होम या फिर स्मार्ट रूम बना सकते हो और कंट्रोल कर सकते हो अपने लाइट्स को, फैंस को, पीसी को, जो भी आपके घर पे है विथ वाईफाई अपने फ़ोन से या फिर गूगल असिस्टेंट से, अमेजोन एलेक्सा से, जैसे कि मतलब बाहर के घर में होता है स्मार्ट होम, तो वैसे आप भी अपने घर के हर एक चीज़ को जो है वाईफाई के जरिए कंट्रोल कर सकते हो, अपने फ़ोन के जरिए कंट्रोल कर सकते हो, गूगल असिस्टेंट के जरिए कंट्रोल कर सकते हो, कुछ इस तरीके से देख सकते हो यहाँ पे। और इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। डिवाइस का नाम है सोना 4CH Pro, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये वाला जो डिवाइस है ये है इसका नाम सोना 4CH Pro R2। इसके और भी वर्जन आते हैं जैसे कि सोना 4CH, 4CH Pro, 4CH Pro R2। और ये वाला जो डिवाइस है इसको मैंने परचेज किया bango.in से, क्योंकि यार आप जानते हो कि अमेजोन में कितना ज़्यादा हाई प्राइस रहता है इन सारी चीज़ों का। और इसका जो अमेजोन का प्राइस है वो है 3,000 से लेकर 4,000 रुपये तक, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी हाई है। तो इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं, इसको सेटअप कैसे करते हैं, गूगल असिस्टेंट के साथ सेटअप कैसे करते हैं, वायरिंग कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। तो सबसे पहले प्राइसिंग और एबिलिटी की बात करते हैं, ये वाला जो प्रोडक्ट है सोना 4CH Pro R2, इसको मैंने bango.in से परचेज किया है करीब 1643 रुपीज़ में। तो अगर आप भी ये वाला प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। और जिन लोगों को लगता है कि Banggood से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करने के लिए आपको कस्टम ड्यूटी चार्जेस पे करना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे Banggood ने जो है इंडिया के लिए भी एक वेबसाइट खोल रखा है bango.in के नाम से, वहाँ से आपका सारा का सारा चीज़ जो आता है और वहाँ पे गवर्नमेंट जो है टैक्स भी लेते हैं, तो यहाँ पे आपको कस्टम ड्यूटी चार्जेस देना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप जैसे अमेजोन से ऑर्डर करते हो वैसे ही आएगा आपका प्रोडक्ट। बट यहाँ पे इनका जो स्टैंडर्ड डिलीवरी टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 15 दिन से लेकर 20 दिन तक लगा जाता है इसको डिलीवर करने में, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एनीवे, अभी हम लोग बात करते हैं थोड़ा बहुत इंस्टॉलेशन के बारे में कि कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो और वाईफाई से अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हो या फिर गूगल असिस्टेंट से कंट्रोल करते हो। वायरिंग मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाने वाला हूँ, सो लेट्स जस्ट सी द इंस्टॉलेशन प्रोसीजर एंड हाउ टू पेयर विद योर गूगल असिस्टेंट। तो ये हमारा सोनोफ का 4CH Pro बॉक्स, सामने इधर आप यहाँ पे 4CH Pro 2 लिखा हुआ है, इंचिंग मोड यहाँ पे दिया गया है, इंटरलॉक सिस्टम यहाँ पे दिया गया है, सेल्फ लॉकिंग सिस्टम यहाँ पे दिया गया है, और ये काम करता है अमेजोन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ। साइड की तरफ यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि 2.4 GHz वाईफाई पे चलता ही है, या फिर आप चाहो तो 433 MHz का रिसीवर के साथ भी, रिमोट के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हो। इसका जो AC वोल्टेज है वो 90 वोल्ट से लेकर 250 वोल्ट तक है, और DC वोल्ट जो है वो यहाँ पे 5 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक है। और पीछे की तरफ यहाँ आपको और थोड़ा बहुत टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप चाहो तो पढ़ सकते हो। और इस साइड में यहाँ आपको उनका जो एप्लीकेशन है उसका नाम यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हो EV Link, और ये काम करता है रिमोट कंट्रोल पे, टाइम शेड्यूल पे, सेल्फ लॉकिंग मोड पे, इंटरलॉकिंग मोड पे और इंचिंग मोड पे। तो हम लोग यहाँ पे सेल्फ लॉकिंग मोड पे यूज़ करने वाले हैं, ताकि हम लोग चारों डिवाइसेस को जो है इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि इंटरलॉक मोड या फिर इंचिंग मोड, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात नहीं करने वाले हैं। तो एनीवे, दिस इज अबाउट द बॉक्स, और बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको बॉक्स में ये सोनोफ का 4CH Pro वाला मॉडल का ये जो स्विच है वो यहाँ पे मिल जाता है, देख सकते हो। एक्चुअली मैं इसको बना के रखा है और दोबारा से खोलना नहीं चाहता हूँ यार, बहुत ही मुश्किल से बना है, बहुत ही मेहनत से बना है, देख सकते हो यहाँ पे सारे के सारे वायरिंग जो है मैंने कर रखा है। बट अगर आप चाहो तो मतलब इंस्टॉलेशन का जो प्रोसीजर है वो मैं थोड़ा बहुत आपको दिखा सकता हूँ। तो इसका एक डायग्राम बना के मैं दे दूँगा कि मतलब एक्चुअली मैं आपको कैसे लगाना चाहिए अगर आप कोई अप्लायंसेस को कंट्रोल करना चाहते हो। और फिलहाल के लिए थोड़ा बहुत देख लेते इसका ओवरव्यू। यहाँ पर आपको 4 बटन मिल जाता है, 4 इंडिविजुअल रिलेज के लिए, 1, 2, 3, 4, तो आप चारों के चारों रिलेज का जो बटन है यहाँ पे आपको मिल जाता है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे मॉडल नंबर सोनोफ लिखा हुआ है, इनपुट वोल्टेज लिखा हुआ है, मैक्सिमम लोड लिखा हुआ है, और वाईफाई यहाँ पे लिखा गया है 2.4 GHz का वाईफाई सपोर्ट करता है, रिमोट कंट्रोल 433 MHz का सपोर्ट करता है, और यहाँ पे इंटरलॉक मोड, सेल्फ लॉकिंग मोड, इंचिंग मोड, वो सब तो दिया गया है। और ये जो होल्स देख रहे हो ये है इनका इंडिकेटर लाइट, R1 के लिए अलग लाइट, R2, R3, R4 और वाईफाई के लिए अलग लाइट दे के रखा है। यहाँ पे इस स्विच को अगर आप चाहो तो DC इनपुट से भी आप इसको पावर दे सकते हो या फिर AC इनपुट से भी इसको पावर दे सकते हो, ठीक है। DC इनपुट में यह 5 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक सपोर्ट करता है, और AC 90 से लेकर 264 वोल्ट तक, मतलब 250 वोल्ट से भी ज़्यादा सपोर्ट करता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे R1, R2, R3, R4 उनका जो पोर्ट्स है उनका डायग्राम यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे न्यूट्रल, कॉमन, सारे के सारे जो इंडिकेटर्स है वो यहाँ पे दिखाया गया है, मतलब कि जो डायग्राम है वो यहाँ पे बताया गया है। और इसको आप चाहो तो ऐसे खोल भी सकते हो काम करते टाइम, ठीक है। इसको लगा लेंगे तो आपको इसको प्रेस करना पड़ता है, प्रेस करके अपना वायर जो है उसको घुसाना पड़ता है, फिर जाके आप इसको वापस से ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे आपको मिलता है एक यूज़र मैनुअल, ऑब्वियसली आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको इसको समझना है तो।
और मैंने इसको पढ़ के ये जो वायरिंग्स है वो किए हैं, तो आपको भी ज़रूर से पढ़ना पड़ेगा तभी जाके आप समझ पाओगे। तो अगर आप चाहो तो इसको वीडियो को पॉज करके ये रीड कर सकते हो। और इधर आपको यहाँ पे इंग्लिश में मिल जाता है देखने को, और इस साइड आपको चाइनीज़ में देखने को मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से यूज़लेस है। एंड दैट वाज अबाउट दी यूज़र मैनुअल, तो फेंकते हैं इसको। एंड देन यहाँ पर आपको एक वारंटी कार्ड मिलता है, जहाँ पर आपको सारे के सारे जो फॉर्म्स है वो फिल करने पड़ेंगे। आई डोंट नो क्या है ये, आई मीन वारंटी कार्ड है तो आपको फिल करने पड़ेंगे, तो फिल कर सकते हो। तो ये हमारा छोटा सा गाइड, यहाँ पर आपको बताया गया है कि गूगल होम के साथ कैसे काम किया जाता है, या फिर अमेजोन एलेक्सा के साथ ये मतलब सेटअप कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ों के बारे में। तो अगर आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, वरना मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप गूगल होम या फिर अमेजोन एलेक्सा तो मेरे पास है नहीं, तो मैं आपको बताऊंगा कि गूगल असिस्टेंट के साथ इसको कैसे सेटअप करते हैं। एनीवे दैट वाज ऑल द बॉक्स कंटेंट गाइस, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाने वाला हूँ कि इसको सेटअप कैसे करते हैं, वायरिंग कैसे करते हैं। तो काफ़ी सिंपल है, मैं आपको एक प्लग के जरिए दिखाता हूँ। तो अगर आप पहले भी घर पे कोई स्विच लगाया हो अपने बोर्ड में या फिर मेन बोर्ड में, तो दिस इज़ द सेम थिंग। ये सोन ऑफ का जो प्रो सीएच है वो ये भी एक स्विच है, तो आपको उसी तरीके से वायरिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ, अभी तो मैं इसको खोल नहीं सकता हूँ, बट खोल के वायरिंग भी आपको शो करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत इसका जो ओवरव्यू है वो दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये वाला सोन ऑफ है, इसको मैंने कनेक्ट किया इस बोर्ड के साथ, और यहाँ पे मैंने एक वाईफाई एक्सटेंडेड बोर्ड बनाया है, मतलब कि एक्सटेंशन बोर्ड बनाया है, ताकि मैं कोई भी होम अप्लायंस को इस बोर्ड के जरिए डायरेक्टली कंट्रोल कर सकता हूँ और मुझे एक्स्ट्रा कोई वायरिंग करना ना पड़े। और ये काफ़ी पोर्टेबल भी है, आप इसको कहीं पर भी ले जा सकते हो। तो जैसे कि आपको पता है कि सोन ऑफ का 4CH Pro यहाँ पे आपको 4 इंडिविजुअल अप्लायंसेस का कंट्रोल करने का चांस देता है, तो यहाँ पे आप 4 डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये दोनों को मैंने इंडिविजुअली कनेक्ट कर रखा है, ताकि मतलब यहाँ पे कोई अप्लायंसेस लगा हो तो यहाँ पे मतलब इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हो। और ये दोनों जो पोर्ट्स हैं ये सेम लाइन पर कनेक्टेड हैं, मतलब कि इसको अगर ऑन करूँ तो ये भी ऑन हो जाएगा, और इसको अगर ऑन करूँ तो ये भी ऑन हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 ऐसे मैंने कनेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पे कनेक्ट करना जो है काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जैसे कि मान लो ये एक आपका होम अप्लायंसेस है, ठीक है, कोई भी होम अप्लायंस हो सकता है एक्सेप्ट एन एसी, क्योंकि एसी में जो है 16 एम्प का रिले चाहिए होगा उसको कंट्रोल करने के लिए, और ये वाला जो स्विच है वो है 10 एम्पेयर का, ठीक है। तो ये वाला जो स्विच है वो एसी के साथ काम नहीं करेगा, बाकी जितना सारा भी होम अप्लायंसेस आपका है। तो मान लो ये एक होम अप्लायंसेस है, तो इसको मतलब यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे दो वायर्स रहता है, एक न्यूट्रल रहता है, ठीक है, दूसरा रहता है लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, न्यूट्रल वाला तो डायरेक्टली आपका प्लग में लग ही रहा है, बट यहाँ पे जो लाइन वाला प्लग है उसको आपको कट करना पड़ेगा। जैसे कि आप कोई स्विच लगाने के लिए कट करते हो, तो यहाँ पे आप इसको कट कर लिए तो ये दो टुकड़ा में हो गया। तो यहाँ पे उसके बाद आप वो जो आपने कट किया है उसको आपको बीच वाला में एक लगाना पड़ेगा और साइड वाला में एक लगाना पड़ेगा। मैं आपको डायग्राम भी दे दूँगा, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप डायग्राम देख कर आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायग्राम देख के मतलब कोई भी समझ जाएगा, तो मैं यहाँ पे एक ओवरले डायग्राम दे दूँगा, ताकि आपको और बच्चे से समझ आ जाए। या फिर आप यहाँ पे कह सकते हो इसका लाइन वाला वायर है वो मैंने यहाँ से ला के फर्स्ट वाला पोर्ट में, यानी कि यहाँ पे NO जहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे NO लिखा है, वहाँ पे मैंने कनेक्ट किया है, और यहाँ से एक वायर डाला है जो कि हमारा डायरेक्टली प्लग में कनेक्ट हुआ, ठीक है। और आप चाहो तो यहाँ पे लाइन से कनेक्ट ना देखें, यहाँ पे आप चार्जर भी को यूज़ कर सकते हो 5 वोल्ट का, और वो यहाँ पे प्लग हुआ, बट मैंने यहाँ पे ज़्यादा झंझट ना लेके यहाँ पे मैंने करंट से प्लग किया है। तो यहाँ पे न्यूट्रल और लाइन वाला जो प्लग है वो मैंने डायरेक्टली अपना करंट में प्लग कर रखा है, और यहाँ पे हर एक NO वाला जो पोर्ट है इसका वायर गया है हमारा सॉकेट का लाइन वाला पोर्ट में, ठीक है। आई थिंक बोलने से समझ नहीं आएगा, डायग्राम देख लो तो उससे आपको बेटर आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हो हर एक सॉकेट में यहाँ पे आपको दो वायर मिलता है, यहाँ पे एक न्यूट्रल वाला वायर है, यहाँ पे आप लाइन वाला वायर है, ठीक है। न्यूट्रल वाला जो वायर है वो हमारा डायरेक्ट करंट में लगेगा, मतलब कि आपका जो सॉकेट है वहाँ पे लगेगा, और जो लाइन वाला प्लग है वो यहाँ पे रिले से होके जाएगा, मतलब कि स्विच से होके जाएगा। और ये वाला जो ग्रीन वायर है ये अर्थिंग के लिए है, आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है कोई, दोगे तो अच्छा होगा, नहीं दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आपको मैं फिर से बता देता हूँ, तो यहाँ पे जो न्यूट्रल पोर्ट का वायर है वो डायरेक्टली गया है हमारा सॉकेट पे, जो कि ये वाला सॉकेट है, ऑब्वियसली इसको पावर अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका न्यूट्रल वाला वायर है वो यहाँ पे गया है डायरेक्टली सॉकेट पे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो लाइन वाला पोर्ट है जिसका करंट हमेशा रहता है वो गया है हमारा सॉकेट का NO वाला पोर्ट पे, ठीक है, हर एक NO वाला पोर्ट पे। और उसके बाद कॉमन पोर्ट से वही वाला वायर निकल के हमारा जो है सॉकेट में गया है। बेटर होगा आप डायग्राम देख लो, आपको मतलब अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो ये था हमारा वायर इंस्टॉलेशन गाइड गाइस, और अभी हम लोग इसको पावर ऑन कर लेते हैं इस प्लग के ज़रिए। उसके बाद मैं आपको उसका जो एप्लीकेशन उसके बारे में आपको बता दूँ कि कैसे एप्लीकेशन को मतलब डाउनलोड करना है और सेटअप करना है अपने अकाउंट को, और कैसे कैसे कंट्रोल करना है, और गूगल असिस्टेंट के साथ भी कैसे आपको इसको पेयर करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा।
तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये वाला जो सॉकेट है इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है अपने मतलब मेन सॉकेट के साथ। तो यहाँ पे जो वाईफाई वाला लाइट है वो यहाँ पे टर्न ऑन हो गया है, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको अपने फ़ोन के साथ कैसे पेयर करना है। बट इससे पहले मैं आपको बताऊँगा इसको मतलब चलाने के लिए आपके घर पर एक राउटर होना बहुत ही ज़रूरी है। राउटर नहीं होगा तो ये नहीं चलेगा, या फिर राउटर भी चलेगा या फिर कोई भी सर्वर लगेगा इसको मतलब चलाने के लिए। तो मेरे घर पर राउटर है, एक आपको राउटर चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन हो या फिर ना हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट फर्स्ट टाइम यहाँ आपको इंटरनेट कनेक्शन लगेगा इसको सेटअप करने के लिए। आगे से आप चाहो तो इसको इंटरनेट को थ्रू भी यूज़ कर सकते हो या फिर विदाउट इंटरनेट के थ्रू भी यूज़ कर सकते हो, इवन रिमोट के साथ भी यूज़ कर सकते हो, जो कि इसका इंक्लूड नहीं आता है, आपको अलग से खरीदना पड़ता है। एनीवे, पहली बात, यहाँ पे हमारा जो वायरिंग का काम है वो ख़त्म हो चुका है और हमने ये वाला जो डिवाइस को जो है पावर दे दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो वाईफाई वाला ब्लू लाइट जल रहा है। तो सोना 4CH Pro को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा एक एप्लीकेशन जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएंगे, जिसका नाम है ईवी लिंक, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसको हम लोग सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये हमारा जो ईवी लिंक एप्लीकेशन है वो हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत पॉलिसी प्राइवेसी दिखाता है, तो उसको आप अग्री कर लो, अग्री एंड कंटिन्यू कर लो। उसके बाद अगर आपका यहाँ पे आईडी है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली आईडी डाल सकते हो। अगर आपका आईडी नहीं है यहाँ पे आप डायरेक्टली रजिस्टर पे क्लिक कर सकते हो और आपका रिलीजन सेट कर सकते हो। यहाँ पे मेरा रिलीजन इंडिया है ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे मैं इंडिया डाल दिया। और यहाँ पे उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको आपका ईमेल एड्रेस डालना है और रजिस्टर का जो प्रोसेस है वो आप एक बार कंप्लीट कर लो। तो एक बार आप यहाँ पे अपना आईडी जो क्रिएट कर लिए, उसके बाद आपको यहाँ पे वो आईडी पासवर्ड डालना है, उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है और ये इंस्टेंटली लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको आपका जो स्विच है उसका कोई भी आर बटन को यहाँ पे 7 सेकंड्स के लिए प्रेस एंड होल्ड करके रखना है, जिससे कि ये वाला जो स्विच है वो पेयरिंग मोड पर चला जाएगा। तो एक बार ये पेयरिंग मोड पर आ गया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ऐप पे आना है। ऐप पे आने के बाद यहाँ पे आपको ये वाला जो प्लस बटन है उसको आपको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको क्विक पेयरिंग मोड पे आना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो वाईफाई नेम है वो आ चुका है, क्योंकि मैं सेम वाईफाई पे कनेक्ट कर रखा है जो कि मेरा राउटर है। तो यहाँ पे आप चूज़ कर लो आपका जो राउटर है उसका SSID आप यहाँ से चूज़ कर लो। उसके बाद राउटर का जो पासवर्ड है वो यहाँ पे आप डाल दो, जो भी आपका पासवर्ड रखा है। तो मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करो, तो ये 2 to 3 minutes लगेगा इसको मतलब कनेक्ट होने में, तो लेट्स वेट फॉर दैट। तो देख सकते हो फाउंड सेकेंड जनरेशन डिवाइस, तो यहाँ पे आई डोंट नो क्या है, स्टिल कनेक्ट हो रहा है, रजिस्टर हो रहा है, देख सकते हो ऑलमोस्ट रजिस्टर हो चुका है एंड जस्ट अभी हो जाएगा। तो ये हमारा रजिस्टर हो गया। उसके बाद आप यहाँ से इसको रिनेम कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रूम, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, उसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये हमारा कनेक्टिंग का प्रोसीजर ख़त्म हो चुका है एंड दैट्स इट। यहाँ पे अभी देख सकते हो यहाँ पे चारों के चारों जो चैनल का नेम है वो यहाँ पे आ चुका है, और ये चारों के चारों चैनल को जो है आप इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर प्रेस करता हूँ यहाँ पे चैनल 4 पे, तो देख सकते हो चैनल 4 का जो लाइट है वो ऑन हो चुका है, चैनल 3, चैनल 2, चैनल 1 एंड सो ऑन। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप थोड़ा बहुत और भी चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पे आप रूम पे क्लिक करते हो, मतलब एम्प्टी प्लेस पे, जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ रूम पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से कुछ लेआउट आ जाता है। और यहाँ से आप शेड्यूल भी सेट कर सकते हो, कब इसको ऑन करना है, कब इसको ऑफ़ करना है। यहाँ से आप मंथ, डे और टाइम और मिनिमम जो भी है डालना है आपको यहाँ पे। उसके बाद आपको चैनल सेलेक्ट करना है, कौन सा चैनल को आप ऑन या फिर ऑफ़ करना चाहते हो। और उसके बाद यहाँ पे आपको मतलब सेट करना है कि आप इसको ऑफ करना चाहते हो या फिर ऑन करना चाहते हो, करके आप इसको सेव कर सकते हो और उसी टाइम पे ये वाला जो आपका जो स्विच है वो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और फीचर भी है, वो है टाइमर का, ठीक है। टाइमर में यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप मान लो यहाँ पे फ़ैन चला लिए या फिर लाइट चला ली है या और आप सो गए, तो यहाँ पे आप टाइमर सेट कर सकते हो कि वो जो फ़ैन या फिर लाइट है वो कितना देर में ऑफ होगा, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, 4 घंटा 3 घंटा 2 घंटा जो भी आप चाहो, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। उसके बाद आपको उसको उतना देर में ऑन करना है या फिर ऑफ़ करना है वो आपको डालना है, तो मेरे को ऑफ़ करना है, तो सेव कर दिया एंड दैट्स इट। यहाँ पे टाइमर सेट हो गया, और ये था टाइमर वाला फीचर। और लास्ट फीचर ये है कि यहाँ पे आप शेयर कर सकते हो, मान लो अगर आपका घर पे कोई और भी मेंबर है जिसको ये एक्सेस करना होता है, तो यहाँ से आप उनका जो आईडी है वो शेयर कर सकते हो और उसको परमिशन दे सकते हो कि भाई आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। और एक और चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हो, यहाँ से आप सेटिंग पर जाओगे, तो यहाँ से आप ये जो बटन्स हैं उसको आप रीनेम भी कर सकते हो। जैसे कि चैनल 1 को अगर आप फ़ैन नाम दे सकते हो, तो यहाँ पे आप सिंपली फ़ैन लिख सकते हो, तो ये जो बटन है वो आपको याद रहेगा कि किस चीज़ का स्विच है, फ़ैन का या फिर लाइट का है, तो यहाँ से आप उनको रीनेम कर सकते हो, चारों के चारों बटन को जो है रीनेम कर सकते हो, तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी मैं दिखाता हूँ इसको गूगल असिस्टेंट के साथ कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे गूगल असिस्टेंट खोलना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे गूगल असिस्टेंट खोली है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो डिस्कवर वाला आइकन है
यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आपका जो आईडी है दिख रहा होगा वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको असिस्टेंट पे क्लिक करना है। असिस्टेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हो होम कंट्रोल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको होम कंट्रोल पे क्लिक करना है, और यहाँ से आप ये वाला जो डिवाइस है उसको आप सेटअप कर सकते हो गूगल असिस्टेंट के साथ, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ये वाला जो प्लस आइकन है वहाँ पे आपको क्लिक करना है, टैप करना है बोल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है स्मार्ट वी लिंक, तो ये हमारा आ गया स्मार्ट वी लिंक, ठीक है। तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा यहाँ पे, और एक बार आपने वो ढूंढ लिया उसके बाद आपको यहाँ पे सेम आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है जो कि आपने ऐप पे लॉगिन किया था। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे चारों के चारों जो रिलेज है वो यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे आप रीनेम कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे कौन सा रूम देना चाहते हो, बेडरूम में दे देता हूँ, और उसके बाद डन कर सकते हो, चारों के चारों को मतलब आप रीनेम कर सकते हो। और एक बार आपने यहाँ पे रीनेम कर लिया उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी चैनल पे क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको निकनेम को चेंज करना पड़ेगा ताकि ये वॉइस असिस्टेंट के साथ काम करे। तो यहाँ पे मैं लाइट लिख देता हूँ, ठीक है, तो इसका नाम है लाइट। और उसके बाद यहाँ पे रिले चैनल 3 को मैं फ़ैन कर देता हूँ, फ़ैन लिख दिया, तो ये फ़ैन के हिसाब से काम करेगा। तो ऐसे ही आप चारों के चारों चीज़ों को जो है नेम कर सकते हो, निकनेम आपको चेंज करना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ पे लाइट फ़ैन, ये मेरा स्टूडियो लाइट है, तो मैं यहाँ पे स्टूडियो लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी दिखाता हूँ कि कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो एक बार आपने सारे के सारे रिलेस का जो है निकनेम चेंज कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे सारे के सारे चीज़ को जो है सेट कर लिए। उसके बाद आपको होम पे आना है, सिंपली आपको बोलना है यहाँ पे ओके गूगल टर्न ऑन लाइट। देख सकते हो यहाँ पे जो लाइट का बटन है वो यहाँ पे ऑन हो चुका है, मैं आपको प्लग करके भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, ओके गूगल टर्न ऑन फैन। देख सकते हो फैन का जो रिले है वो ऑन हो चुका है। और अगर आप यहाँ पे चाहो तो सारे के सारे जो रिलेज है वो उसको आप एक ही टाइम पे बंद कर सकते हो। उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा ओके गूगल टर्न ऑफ एवरीथिंग। दैट्स इट, देख सकते हो कि हमारा जो लाइट है, हमारा जो फैन है, वो सारे के सारे चीज़ जो है ऑफ हो चुका है। सो दैट इज़ हाउ यू सेटअप योर सोना 4CH प्रो विथ गूगल असिस्टेंट। सो दैट वॉज प्रीटी मच ऑफ इट गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसे लगा, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे क्वालिटी कंटेंट्स के लिए। एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन। बट उससे पहले ओके गूगल टर्न ऑफ स्टूडियो।